ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के एएसआई सर्वे को लेकर मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट में है। इसी बीच उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान सामने आया है। अब संत समाज सीएम योगी के समर्थन में उतर आया है। उधर सपा के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने सीएम के बयान पर पलटवार किया है। अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय महामंत्री जितेंद्रानंद सरस्वती की ओर से बयान सामने आया है। उन्होंने खुलकर सीएम के कथन का समर्थन किया है। जितेंद्रानंद ने अपने वीडियो बयान में कहा है कि ज्ञानवापी की दीवारें चीख चीख कर कह रही हैं कि ज्ञानवापी एक मंदिर है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्र अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज अहम बैठक बुलाई है। बैठक में पार्टी के सभी प्रवक्ताओं को बुलाया गया है। मुद्दों पर सपा का पक्ष कैसे और कितनी मजबूती से रखना होगा, इस पर मंथन होगा। लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां दमखम में जुट गई हैं। इसी क्रम में अखिलेश यादव ने आज बड़ी बैठक बुलाई है। बैठक में यूजीसी ज्ञानवापी समेत कई चर्चित मुद्दों पर पार्टी का स्टैंड तय होगा। अखिलेश यादव पार्टी प्रवक्ताओं के सामने अपने मुद्दों की तस्वीर तय करेंगे। छत्तीसगढ़ में शराब घोटाले की जांच कर रहे परिवर्तन निदेशालय ने बड़ी कार्रवाई की है। सामने आया है कि नोएडा की कंपनी के साथ छत्तीसगढ़ के आबकारी अधिकारियों ने साथ गांठ करके इस काम को अंजाम दिया है। इसके कारण छत्तीसगढ़ शराब को करीब 1200 करोड़ के राजस्व घाटा हुआ है। शराब घोटाले की जांच कर रहे परिवर्तन निदेशालय के डिप्टी डायरेक्टर ने अब ग्रेटर नोएडा के कासना थाने में 2 IAS अधिकारी समेत 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में रविवार को एक दर्दनाक हादसा हो गया। यहां एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार 3 लोगों की कुचल दिया। हादसे में पिता पुत्र की मौत हो गई है, जबकि महिला और एक अन्य राहगीर गंभीर रूप से घायल है। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। घायलों का अस्पताल इलाज चल रहा है। हादसे का एक CCTV फुटेज भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। कांवड़ियों पर लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले दागने के मामले में हिंदू समुदाय के प्रदर्शन के बाद अब वन मंत्री अरुण कैंट, विधायक संजीव अग्रवाल और महापौर उमेश गौतम ने स्थानीय लोगों से मिलकर स्थिति का जायजा लिया है। स्थानीय लोगों ने जनप्रतिनिधियों ने कहा कि कांवड़ियों पर डंडा चलाने वाला कप्तान हटवा दिया है। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि कार्रवाई यहीं नहीं रुकेगी बल्कि और भी जिम्मेदारों का परिणाम भुगतने होंगे। उत्तर प्रदेश के औरैया में पुलिसिया कार्रवाई पर एक बार फिर गंभीर आरोप लग रहे हैं। यहां पूछताछ के लिए एक शख्स को पहले थाने पर लाया गया, फिर अस्पताल ले जाते समय रास्ते में उसकी मौत हो गई। अब परिजनों ने आरोप लगाया है कि थाने में उसके साथ बुरी तरह से मारपीट की गई है, इसलिए उसकी तबीयत बिगड़ी और रास्ते में उसकी मौत हो गई। उधर पुलिस ने परिजनों के आरोप को बेबुनियाद बताया है। पुलिस का कहना है कि युवक की मौत सांप काटने से हुई है। उत्तर प्रदेश में इस वक्त ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर माहौल गर्म है, क्योंकि 3 अगस्त को ज्ञानवापी पर हाई कोर्ट बड़ा आदेश दे सकता है। ऐसे में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को एक बड़ा बयान दिया है। सीएम योगी ने कहा कि ज्ञानवापी अगर मस्जिद थी तो वहां पर त्रिशूल और शिवलिंग क्यों है। सीएम योगी के इस बयान में सियासी गलियारों में खलबली मच गई है। साथ ही हिंदूवादी नेताओं ने और भागवत प्रवक्ताओं ने इस बात का समर्थन किया है। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में उस समय हड़कंप मच गया जब मियागंज में कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में एक साथ 54 छात्राएं आई फ्लू की चपेट में आ गई। इसके चलते विद्यालय के स्टाफ में हड़कंप मच गया। आनंद फानन में उन्होंने पास की ही CSC में डॉक्टर को फोन किया। वहीं सूचना पर कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय पहुंची डॉक्टरों की टीम ने सभी छात्राओं को उपचार किया। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ स्थित गर्ल्स कॉलेज में संदिग्ध परिस्थितियों में छात्रा की मौत को लेकर बवाल बढ़ गया है। परिजनों के हंगामे के बाद हरकत में आई पुलिस ने कॉलेज के प्रिंसिपल और क्लास टीचर के खिलाफ हत्या की धाराओं में केस दर्ज किया है। आरोप है कि वारदात के बाद कॉलेज प्रबंधन ने सबूतों को मिटाने की कोशिश की है। फिलहाल पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृत छात्रा की पहचान 11वीं में पढ़ने वाली श्रेया के रूप में हुई है। पुलिस 360 डिग्री एंगल में मामले की जाँच शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर पिछले 6 साल से कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा और उनकी सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा गया है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी सावन के दूसरे सोमवार को मेरठ दिल्ली हाईवे पर कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की थी, जिसके बाद से ही प्रदेश में शिव भक्तों का उत्साह देखने लायक है। इसी कड़ी में सावन के चौथे सोमवार को भी कुंभ नगरी प्रयागराज में शिव भक्तों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई। पुष्प वर्षा के सम्मान में संगम और गंगा के सभी तट बोल बम के जय घोष से गूंज उठे। बने रहे हमारे साथ, देखते रहें पब्लिक न्यूज़ TV।